tough with us? क्यों ऐसा लगता है मैं टफ होंगी? ननद को देख के डर लगता है. वैसा डर रखना, लेकिन अदरवाइज मत डरना, मैं काफी चिल्ड आउट हूँ. बट बोलना चाहूंगी, इस ड्रेस में आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो. थैंक यू. अब ये मुझे ऐसा लग रहा है मैं नहीं लग रही हूँ, लेकिन सिर्फ ऐसा ही लग रहा है. एक्चुअली ननद को तो पटाना ही पड़ेगा ना. तो ये पटाने के लिए हो रहा है, ये पक्की बात है. एक्चुअली ये दिल से बोल रही हूँ मैं आपके लिए, सीरियसली बहुत बहुत खूबसूरत. थैंक यू. You all are very pretty and very nice. अभी तक दिखने में जो मुझे पता लग रहा है, but मेरे दोस्त के लिए, मेरे भाई के लिए दुल्हनिया ढूंढने आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे एक अच्छी भाभी मिले. तो मेरे कुछ questions हैं जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी. Are you guys ready? Yes. Okay. हरप्रीत, yeah. राहुल के बर्थडे पर आप क्या करेंगी? खुद अपने हाथों से केक बनाएंगी, महंगा सा गिफ्ट खरीदेंगी, या फिर एक सरप्राइज पार्टी थ्रो करेंगी? बहुत रोमांटिक होता है अगर यू नो एक वाइफ अपने हाथ से खाना बना के अपने हस्बैंड को खिलाए. तो मुझे लगता है एक बर्थडे पर अपने हाथ से बनाया हुआ केक ज्यादा रोमांटिक, ज्यादा स्पेशल होगा. एंड बिफोर बर्थडे मैं सीख जाऊंगी और अपने हाथ से खिला भी दूंगी. जहां तक आंसर फेक लगने की बात है, वो मुझे हरप्रीत का लगा, क्योंकि वो शुरू से अब तक मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो जो भी बोलती हैं काफी सोच समझ के बोलती हैं, और जब इंसान बहुत सोच समझ के बोलता है तो वो कभी सच नहीं बोलता. तनु, yeah. इनमें से कौन सी आपकी रोल मॉडल है? करीना कपूर, बरखा दत्त, कल्पना चावला? अगर हम रोल मॉडल की बात करें तो जिसके टू हूम वी लुक अप टू बेसिकली, yeah, right. तो अगर मैं उसकी बात करूं तो वो मेरी मॉम होंगी. मैं बहुत छोटी थी, फिफ्थ क्लास में थी, तब मेरे डैड की डेथ हो गई और मुझे भी पढ़ाया, मेरे भैया को इंजीनियर बनाया और अब मुझे PhD करा रही हैं, डॉक्टरेट बना रही हैं. तो ऑब्वियसली मेरे लिए वही मेरी रोल मॉडल है. प्लीज बहुत ज्यादा इमोशनल मत हो. आई कैन अंडरस्टैंड, मदर से बढ़कर तो कोई भी कोई नहीं होता. प्रिया, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? अजय देवगन एंड शाहरुख बोथ एक्चुअली. कोई रीजन, कोई खास रीजन? एक्चुअली रीजन बीइंग शाहरुख, व्हाई? बिकॉज एक तो वो दिल्ली से हैं और मैं भी दिल्ली से ही हूँ, अपनी जगह के हैं तो थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाता है. तो मेरे से कितना अटैचमेंट हुआ अभी तक आप? किन से? मुझसे, मैं भी दिल्ली की हूँ. आप तो, आपसे तो बहुत ज्यादा ही अटैचमेंट है. जी जी. सो प्रिया, मैं सिंपली बोलूं, मुझे उसकी बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नजर नहीं आती. स्वाति जी, सोने से पहले आप क्या करती हैं? प्रे करती हैं, कल के लिए प्लान बनाती हैं, या फिर सीधा ही जाके सो जाती हैं? मैं प्रेयर करके सोती हूँ पहले. सेम क्वेश्चन मेरा रूपा जी से है. नहीं, मैं अपना नेक्स्ट डे प्लान करके सोती हूँ और उसके बाद प्रेयर करती हूँ. नहीं, सुबह प्रेयर करती हूँ, मैं रात को प्रेयर नहीं करती. वेरी गुड, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑनेस्ट आंसर. आई वाज आल्सो ऑनेस्ट, मैं सुबह भी प्रेयर करती हूँ. नहीं, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ सोच समझ के एक अच्छी बात ही नहीं बोलनी है. मैं कुछ तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने सोच के बोला है? नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं, आप मेरी रूममेट से भी पूछ सकती हैं और मैंने जो भी बोला सच बोला. ये आपको अगर ऐसा लगता है तो मैं कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है और मुझे लग भी रहा हो तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है. मृणाल, राहुल आपको किस रूप में अच्छा लगता है? एक पॉलिटिशियन के रूप में या फिर एक सेलिब्रिटी के रूप में? मैंने इनको एज अ पॉलिटिशियन नहीं देखा अभी तक. अभी तक जितना भी मैंने देखा, इंडीड मैंने इनका वो जो शो है जिसमें बहुत फेमस हुए, उसमें भी मैंने इनको देखा नहीं था कभी भी. जब मुझे स्वयंवर के बारे में पता चला तो सबसे पहले तो मुझे जाके सर्च करना पड़ा कि राहुल महाजन है क्या. जो सर्च किया उससे पता चला कि ओके, ही इज अ, I mean, he's a good person. He's known, and most of the people had written about him is like he was very honest. बस मैं उसी चीज को लेकर इस स्वयंवर में आई हूँ कि he is very honest. Okay. Question मेरा मनी जी से है. अगर आपको किसी से प्यार हो जाता है तो आप क्या करेंगी? सीधे जाकर उनसे बात करेंगी या आप ये इंतजार करेंगी कि वो आपके पास आए और
नहीं, पहले तो मैं बात करूंगी, फिर उसके बाद उन्हें अपने दिल की बात बताऊंगी। हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, आप राहुल को बोल के बताओ। राहुल को बोलूं? मुझे देखना है कि आपको कैसे आई लव यू बोलेंगी। मुझे शर्म आ रही है, इनके पास जाऊंगी। आप डर क्यों रहे हो? डर ही नहीं रहा, ये तो मतलब एकदम बोल तो बोल रही है। I know, इसलिए शर्म आ रही है, वरना मेरे को उल्टी आदत है। ओके राहुल, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों से फील कर रही हूँ कि पहले तो मुझे लगा कि शायद सिर्फ ये मेरी तरफ से अट्रैक्शन है, लेकिन मैंने जैसे आपसे बात की और आपसे मैं मिली तो मुझे लगा कि मुझे आपसे प्यार है। सो जस्ट 3 वर्ड्स आपको कहना चाहूंगी, राहुल आई रियली लव यू। ओ मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड्स इन द वर्ल्ड। थैंक यू। थैंक यू। जवाब ब्रेक के बाद। आई होप आई विल गेट द आंसर। निकुंज, अगर किसी महीने आपके मंथली बजट से थोड़े पैसे बच जाएं तो आप उनका क्या करेंगी? ज्वेलरी खरीदेंगी, टीवी, वॉशिंग मशीन या कोई घर में आने वाली चीज खरीदेंगी, फिक्स डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट करेंगी? पहले मैं देखूंगी कि कुछ ऐसी कोई चीज है जिसके लिए काफी वक्त से घर में सोचा जा रहा हो कि ये ले लें या नो वो खरीदी जा सके, तो प्रोबेबली मैं वो ले लूंगी। और अगर किसी चीज की जरूरत नहीं है तो मैं उसको इन्वेस्ट कर लूंगी या संभाल के यू नो इन बैंक, क्योंकि पैसा वेस्ट करने के लिए नहीं होता, मुझसे होता नहीं है पैसा वेस्ट। ओके सेम क्वेश्चन है मेरा डिम्पी जी से। शॉपिंग करने जाऊंगी।